तो जैसा कि हमने अब तक दो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सेसेशन एंड फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ 1967, ये हम दो टॉपिक्स अभी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है, जब हम थर्ड टॉपिक पे आए हैं, वो थर्ड टॉपिक है हमारा स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। अब हमें ये जानना है कि कांग्रेस पार्टी में इसके बाद स्प्लिट हुआ था, बट कैसे स्प्लिट हुआ, क्या कंडीशंस थे कि कांग्रेस पार्टी को स्प्लिट होना पड़ा, जबकि वो इतनी ज़्यादा एक यूनाइटेड पार्टी थी, एक पार्टी थी जिसने इतने टाइम तक थ्री जनरल इलेक्शंस में मेजॉरिटी ली, फोर्थ में भी एक तरीके से मेजॉरिटी हासिल कर ही ली थी, इवन इफ़ इट वाज विद द लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स इन 1952, बट नाउ कांग्रेस पार्टी उसके बाद स्प्लिट हुई थी। तो अब हम यही जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी स्प्लिट क्यों हुई। तो उसमें हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ, जो है इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंडिकेट क्या है, सिंडिकेट कौन थे। तो जितने भी हमारे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, सीनियर लीडर्स थे, पावरफुल लीडर्स थे, उन लोगों को बोलते थे हम सिंडिकेट। कांग्रेस पार्टी में जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, सीनियर पार्टी लीडर्स थे, उन सबको बोलते थे सिंडिकेट। अब सिंडिकेट का क्या रोल रहा है, ये तो हमने पहले डिस्कस कर ही दिया है कि जो सिंडिकेट थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में। इंदिरा गांधी को सिंडिकेट ने ही सपोर्ट किया था, और फिर उसके बाद मोरारजी देसाई को हरा के इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं और पहले जान चुके हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि इंदिरा गांधी के पास जो चैलेंजेस आए वो पार्टी के बाहर से नहीं आए, वो पार्टी के अंदर से ही आए इंदिरा गांधी के पास चैलेंजेस। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो चैलेंज जो मेन आया वो आया था सिंडिकेट की तरफ से। तो ऐसा क्या हुआ कि जो मेंबर्स उनको पहले सपोर्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी को, वो अब इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे और वो एक चैलेंज बन चुके हैं इंदिरा गांधी के लिए। वो क्या क्या रीज़न था, तो हम ये पढ़ते हैं आगे कि जो रीज़न था वो ये था क्योंकि इंदिरा गांधी एक इंडिपेंडेंटली इतनी पावरफुल लीडर थी, उसमें इतने ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ थी कि इंदिरा गांधी ने क्या करा कि वो सिंडिकेट को साइडलाइन करने का उन्होंने ठान लिया। उन्होंने उनके ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स जो थे, जो उनको एडवाइस करेंगे रिगार्डिंग डिसीजंस, वो पार्टी के अंदर से नहीं थे, वो पार्टी के बाहर से थे। और ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा सेटबैक थी सिंडिकेट के लिए, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि अगर इंदिरा गांधी रूल करती है तो वो एक तरीके से उसके पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस की वजह से वो सिंडिकेट पे डिपेंडेंट होगी और एक तरीके से सिंडिकेट रूल कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने एडवाइजर्स बाहर से ले लिए थे, सिंडिकेट एक तरीके से साइडलाइन हो गए थे पार्टी में, और उनकी वॉइस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, इतना ज़्यादा महत्व नहीं रह गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के जो है उन्होंने दो चैलेंजेस फेस करे अपनी अपने प्राइम मिनिस्टरशिप में, जो उनको पार्टी की वजह से मिले, वो ये थे कि एक तो उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी सिंडिकेट से। वो नहीं चाहती थी कि सिंडिकेट जो पावरफुल लीडर्स है, जो सीनियर लीडर्स है, जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स है, वो किसी भी तरह उनके डिसीजंस को काउंटर करे या उसमें किसी भी तरह का सहयोग दे। वो नहीं चाहती थी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस फ्रॉम द सिंडिकेट, शी वॉन्टेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। उसके बाद जो सेकेंड चैलेंज हम देखते हैं वो ये आया कि 1967 इलेक्शन में, जैसा कि हम जानते हैं कि लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स मिली थी कांग्रेस को सिंस 1952, और लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स की वजह से किसी तरह मेजॉरिटी में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। बट हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी नहीं रह गई थी फोर्थ जनरल इलेक्शन तक आते आते, उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक तरीके से डिटेरियोरेट हो रही थी, एक तरीके से गिर रही थी। तो इसकी वजह से इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो वो उनका खोया हुआ ग्राउंड है, जो उनकी खोई हुई पॉपुलैरिटी, जिनको जो जिस वजह से वो पहले के तीन इलेक्शन में जिस वजह से कांग्रेस जीत रही है, वो चाहती थी वो ग्राउंड वो वापस ले आई। वो चाहती थी कि वो ग्राउंड वापस आ जाए, और कांग्रेस अगर जीते तो एकदम पहले जैसी उतनी ही मेजॉरिटी से जीते। तो वो सबसे उनकी ये दो मेन चैलेंजेस थे, पहला कि वो इंडिपेंडेंस चाहती थी सिंडिकेट से, वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहती थी, और दूसरा कि वो चाहती थी कि जो कांग्रेस है उनका जो खोया हुआ ग्राउंड है, जो खोई हुई पॉपुलैरिटी है, वो किस तरह वापस आ जाए। अब इस चीज़ के लिए, ताकि वो जो खोया हुआ ग्राउंड है, जो खोई हुई पॉपुलैरिटी है, वो वापस कैसे आएगी,
तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले ताकि वो पुअर को अपने एम्बिट या पुअर को अपने फोल्ड में ले सके। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 10-point प्रोग्राम निकाला 1967 में। उस प्रोग्राम में बेसिकली उन्होंने 10 ऐसे पॉइंट निकाले जिस पे सरकार उस वक्त वर्क करेगी कि वो किसी तरह पुअर तक या किसी तरह गरीब या आम आदमी तक अपने आप को पहुँचा पाए। उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स रहे होंगे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स थे बहुत सारे, उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें और भी कई चीज़ें थी, जैसे वुमेन के लिए वर्क करने के लिए फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करना था और शेल्टर देना पुअर लोगों को। तो ये ऐसी कुछ जो बेसिक अमिनिटीज़ है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है पुअर की, वो एड्रेस करने की कोशिश करी इंदिरा गांधी ने। फूड ग्रेन्स बांटे फ्री में, उसके बाद शेल्टर देना शुरू किया, जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है उनको शेल्टर प्रोवाइड करा, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स दिए ताकि वो किसी तरह अपना कमा सके, कुछ कर सके। तो ये सब चीज़ें उन्होंने 10-point प्रोग्राम में 1967 में करी। तो उसके ये हमारा था पहला टॉपिक। अब उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो बेसिकली इससे रिलेटेड है कि जो इंदिरा गांधी है उसने अपना इंडिपेंडेंस कैसे लिया। ठीक है, हमने देखा कि वो दूसरा जो उसका ग्राउंड है कांग्रेस का, जो उसमें जो उन्होंने लूज कर दिया है, वो 10-point प्रोग्राम से कोशिश करी उन्होंने वापस लेने की। पर अब इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिंडिकेट, ये उन्होंने कैसे तय करा कि उनको सिंडिकेट से इंडिपेंडेंस मिल जाए, कोई इंटरफेरेंस ना हो, वो हम देखेंगे दूसरे टॉपिक में, जो है प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस 1969। तो उस वक्त 1969 में क्या हुआ था, जो प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन थे उनकी डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट का पोस्ट था वो वेकेंट था, अब उसका भरना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि जो सिंडिकेट थे उन्होंने किसी तरह, जो इन्फ्लुएंशियल लीडर, जो सीनियर लीडर्स थे, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनको किसी तरह इंदिरा गांधी को कुछ तो दिखाना था कि यू नो उनका अभी भी इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने किसी तरह इंदिरा गांधी के जो लॉन्ग टाइम ओपोनेंट थे, जो लॉन्ग टाइम उनके विरोधी रहे हैं एक तरीके से, वो थे एन संजीवा रेड्डी, हु वॉज जो उस वक्त के लोकसभा स्पीकर थे, उसको उन्होंने ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट बना दिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। जितने भी सिंडिकेट थे उन्होंने एन संजीवा रेड्डी को ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट बना दिया इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में लड़ने के लिए। उसके बाद जो हम दूसरी चीज़ देखते हैं, अब इंदिरा गांधी को किसी ना किसी तरह इस चीज़ का रिटेलिएशन या इस चीज़ का एक जवाब देना था, तो उन्होंने वीवी गिरी जो उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट थे उनको किसी तरह कन्विंस करा कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह, एक स्वतंत्र कैंडिडेट की तरह अपने आप को एनरोल कर दे इलेक्शंस के लिए, और कहा कि वो उन्हें सपोर्ट करेंगी। तो इस तरह ये एक कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक तरफ सिंडिकेट ने ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट के नाम पे एन संजीवा रेड्डी को डाला, वहीं पे दूसरी तरफ वीवी गिरी जो थे वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह एनरोल हो गए, जो इंदिरा गांधी ने उन्हें कन्विंस किया था। अब ये सब जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया और अब जब ये सब देखते हैं, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट था निजालिंगप्पा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विप इशू कर दिया। निजालिंगप्पा ने एक विप इशू करा। विप क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं विप क्या होता है और फिर आगे बढ़ते हैं। विप बेसिकली एक तरीके से एक पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन होता है, एक पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन होता है जो बताएगा यू नो जो सारे पार्टी मेंबर्स को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन जो हर पार्टी मेंबर एक तरीके से बाइंड होता है फॉलो करने के लिए, वो होता है एक विप। तो उस वक्त निजालिंगप्पा ने एक विप इशू करा कि जितने भी कांग्रेस एमपीज एंड एमएलएज हैं वो सबके सब ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट के लिए ही वोट करेंगे, जो था एन संजीवा रेड्डी, उसके लिए वोट करना था। ये एक विप इशू कर दिया। अब जब इंदिरा गांधी ने ये देखा तो इंदिरा गांधी ने उसी वक्त इसका जवाब देने के लिए कहा कि नहीं, हम एक कंसाइंस वोट करेंगे। अब कंसाइंस वोट एक टर्म आया है, इसका क्या मतलब है? कंसाइंस वोट का मतलब है कि हर कैंडिडेट अपने मन मुताबिक वोट करेगा, जो उसको जो मन करेगा वो उन्हीं को वोट करेगा,
और ऐसे किसी और के कहने पे नहीं वोट करेगा, कंसाइंस वोट, अपने अपने अंदर जो उनको वोट करना है उसी को वोट करेगा। और उस वक्त इंदिरा गांधी ने यही कहा कि नहीं, हम लोग एक कंसाइंस वोट करेंगे, सब अपने मन मुताबिक वोट करेंगे, जिनको उन्हें वोट करना है वो उसको वोट करेंगे। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, हम रिजल्ट में क्या देखते हैं कि वीवी गिरी प्रेसिडेंट बन जाता है और वो एन संजीवा रेड्डी को हरा देते हैं। तो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को हरा दिया, जो पावरफुल सीनियर लीडर्स थे उनको हरा दिया। उसके बाद जब ये सब सिनेरियो हो चुका है, जब ये सारा सीन हो चुका है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, जो हमारा जो नीजा लिंगप्पा था वो इतने गुस्से में आ गए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपनी पार्टी से हटा दिया, उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया और वो अपनी पार्टी को कहने लग गए कि हमारी पार्टी जो है वो रियल कांग्रेस है। उन्होंने क्लेम करा कि हमारी पार्टी इज द रियल कांग्रेस। तो हम आगे जाके क्या देखते हैं, क्योंकि ये सारी इस सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि वीवी गिरी जीत गए और एन संजीवा रेड्डी हार गए, तो हम देखते हैं कि जो सिंडिकेट हैं उन्होंने अपनी कांग्रेस को बोला कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं ओल्ड कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पे ये सिंडिकेट रूल करते हैं और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे वो सीनियर लीडर्स थे, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे। और उसके बाद जो दूसरा स्प्लिट होकर जो दूसरी पार्टी बनी वो थी एक वो ग्रुप था जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट, जो भी मेंबर वहाँ पे इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे वो सबके सब पार्टी से अलग हो गए और उनकी पार्टी को कहा गया कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट या फिर न्यू कांग्रेस। दिस वॉज नोन एज कांग्रेस ओ एंड दिस वॉज नोन एज कांग्रेस आर, और ये हमारी इंदिरा गांधी वाली पार्टी बनी न्यू कांग्रेस। तो हम देखते हैं कि इस तरह कांग्रेस पार्टी में एक स्प्लिट आ गया, एक कांग्रेस एक तरफ जहाँ पे कांग्रेस ओ हो गया, जहाँ पे सारे के सारे सिंडिकेट सीनियर लीडर्स इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, वहाँ पे दूसरी तरफ बना कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट या फिर न्यू कांग्रेस, जहाँ पे इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे वो सबके सब उन्होंने मिलके जो कांग्रेस बनाई वो कहा गया न्यू कांग्रेस। तो हम देखते हैं किस तरह इंदिरा गांधी ने अपने दोनों चैलेंजेस को पार किया। उन्होंने जहाँ पे एक तरफ 10-point प्रोग्राम बनाया ताकि वो वापस से पॉपुलैरिटी, वापस से वो ग्राउंड जो है वो वापस से ला सके, वहीं पे दूसरी तरफ उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंडिपेंडेंस भी ले ली सिंडिकेट से, उन्होंने कांग्रेस का स्प्लिट करवा दिया, कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, एक ओल्ड कांग्रेस और एक न्यू कांग्रेस। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक भी ख़त्म होता है।